तो क्लास चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आइए देखते हैं कि एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके हम उनका डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास एक एल्कोहल है और हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, यानी कि एक कार्बन से OH निकलेगा तो दूसरे कार्बन से H निकलेगा और ये H कोई सा भी H हो सकता है। तो अगर हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो क्लास क्या होगा, जब H और OH निकल जाएगा तो दोनों ही कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी और कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे हमें एक एल्कीन मिलेगा। तो क्लास ये बात बिल्कुल सिंपल है कि जब एल्कोहल्स का हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ हमें एल्कीन मिल जाता है। बट क्लास ये बात जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। तो क्लास यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमने डिहाइड्रेशन किया कैसे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए क्या ऐड किया होगा। तो क्लास इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कॉन्क H3PO4 या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर एल्यूमिना। तो क्लास इन सब्सटेंसेस के प्रेजेंस में एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए क्लास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया है और अगर हम इसको हीट करते हैं 443 केल्विन पर H2SO4 के प्रेजेंस में तो हमें एथीन मिल जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। क्लास इसी प्रकार से हमने यहाँ पर प्रोपेन 2-ol लिया है और जब इसको हम हीट करते हैं 440 केल्विन पर 85% H3PO4 के प्रेजेंस में तो हमें प्रोपीन मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। क्लास यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि इथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है जबकि प्रोपीन 2-ol एक 2 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पर हमने एक और एल्कोहल लिया है जो कि एक 3 डिग्री एल्कोहल है और ये एल्कोहल है 2-methyl-propane-2-ol। और जब इसको हम 358 केल्विन पर केवल 20% H3PO4 के साथ हीट करते हैं तो हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन मिलता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। तो क्लास यहां पर जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि जैसे जैसे हम एल्कोहल की डिग्री बढ़ा रहे हैं हमारी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो इजी होती जा रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड डिग्री के केस में हमने जो एसिड लिया है वो केवल 20% है और जो टेम्परेचर है वो भी सबसे कम है, ओनली 358 केल्विन। तो क्लास यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, यानी कि डिहाइड्रेशन कौन से प्रकार के या कौन से डिग्री एल्कोहल में सबसे ईजिली हो जाएगा, तो उसका जो सीक्वेंस है वो है सबसे ज़्यादा इजीली होगा टर्जरी एल्कोहल के केस में, फिर उससे कम होगा सेकेंडरी में और सबसे कम इजीली डिहाइड्रेशन होगा प्राइमरी एल्कोहल्स के केस में। चलिए क्लास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का मैकेनिज्म देख लेते हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। चलिए देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले एल्कोहल का जो है प्रोटोनेशन होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो क्लास ये है इथेनॉल और अगर इसके नियर बाय कोई प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और क्लास ये स्टेप ना बहुत फास्ट होता है और हमें मिलता है हमारा प्रोटोनेटेड इथेनॉल या प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है
जो कि इस प्रोटोनेटेड इथेनॉल को अनस्टेबल कर देगा और इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है या मूव होता है ऑक्सीजन की तरफ, जिससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो क्लास, इस तरह से हमें मिलता है कार्बोकैटायन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये स्टेप बहुत स्लो होता है। और यही होता है हमारा स्टेप टू, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द स्टेप टू ऑफ दिस मैकेनिज्म। और क्लास, ये जो कार्बोकैटायन बना है इसका नाम है इथाइल कार्बोकैटायन। अब क्लास, क्या होगा कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस तरह से हमें मिलेगा एथीन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, और साथ में मिलेगा हमें वो प्रोटॉन जो कि बगल वाले कार्बन से निकला था, और ये प्रोटॉन फर्दर बाकी इथेनॉल्स को कैटलाइज करेगा। और क्लास, यही है हमारा स्टेप थ्री, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो क्लास, इस तरह से तीन स्टेप्स में इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो गया।